com में हूँ आपके साथ दीक्षा भानप्रिय। कांग्रेस को उसी के ही गढ़ में परास्त करने वाली स्मृति आज एक बार फिर मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रही है। स्मृति ईरानी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को हराकर लोकसभा पहुंच गई है। मोदी के शपथ ग्रहण से पहले मोदी की कैबिनेट में बनने वाले मंत्रियों को भी फोन किया जा रहा है। इन नामों में स्मृति ईरानी का नाम भी शामिल है। स्मृति ईरानी एक बार फिर मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनी। स्मृति ईरानी ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। रूढ़िवादी पंजाबी बंगाली परिवार से ताल्लुक रखने वाली स्मृति ने परिवार की बंदिशों को तोड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखा। 1998 में उन्होंने मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, लेकिन फाइनल तक नहीं पहुंच पाई। मिस इंडिया प्रतियोगिता में फाइनल तक नहीं पहुंच पाने के बाद स्मृति मुंबई चली गई और एक्टिंग में करियर बनाने की कोशिश की। यहां आने के बाद उन्हें काम तो नहीं मिला, बल्कि अपना खर्च चलाने के लिए उन्हें एक रेस्टोरेंट में सफाई तक का काम करना पड़ा। इसी दौरान स्मृति को मीका के एल्बम में काम करने का मौका मिला और यहीं से उनकी किस्मत चमक गई। इस एल्बम के बाद स्मृति को एक दो सीरियल में छोटे रोल मिले। एल्बम में काम मिलने के बाद स्मृति की किस्मत के दरवाजे खुल गए और उन्हें एक और बड़ा ऑफर मिला। एकता कपूर ने उन्हें अपने सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी के किरदार के लिए ऑफर दिया। स्मृति तुलसी बनकर हर घर में छा गई और लोग इस सीरियल के दीवाने हो गए। आदर्श बहू के रूप में तुलसी ने सीरियल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये सीरियल 8 सालों तक छोटे पर्दे पर छाया रहा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।